वहीं टूट रहा है बलात्कार के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का तिलिस्म। वीरेंद्र देव के आश्रम में कारों का जखीरा मौजूद रहता था और इस बात की जानकारी, इस बात की गवाही और पुख्ता हो रही है। एबीपी न्यूज के हाथ लगी है पार्किंग की तस्वीरें जिनमें कई लग्जरी गाड़ियां दिख रही हैं। आरोप है कि इन्हीं गाड़ियों से आश्रम से बाहर जाती थी लड़कियां। एबीपी न्यूज को मिली है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम की पार्किंग की ये तस्वीरें, जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के नंबरों तक की गाड़ियां खड़ी हैं। आरोप है कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। इन्हीं गाड़ियों से आश्रम की लड़कियां अंदर और बाहर जाती थीं। सूत्रों के मुताबिक आश्रम के अंदर ही गाड़ियों की सर्विस के लिए बकायदा एक सर्विस स्टेशन बनाया गया था, जिसमें लग्जरी कारों की सर्विस और मरम्मत का इंतजाम था। आश्रम के इस पार्किंग एरिया में लग्जरी कारों की सर्विस के लिए 24 घंटे कई मैकेनिक मौजूद रहते थे। एबीपी न्यूज को बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के दिल्ली स्थित विजय विहार आश्रम की कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिली हैं, जिनसे अंदेशा होता है कि इन्हीं रास्तों से लड़कियों को बाहर ले जाया जाता था। इस बीच बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के शिकार परिवारों का आश्रम के बाहर पहुंचना जारी है। दिल्ली के मोहन गार्डन आश्रम में लखनऊ से आए एक परिवार ने अपनी बेटी से मुलाकात की। परिवार ने उसका वीडियो भी बनाया है। परिवार का कहना है कि कई औरतों की मौजूदगी में उन्हें बेटी से मिलवाया गया। वो अपने माता पिता से भी ढंग से बात नहीं कर रही है। मोहन गार्डन आश्रम के बाहर लोगों का हुजूम लगा है। हालांकि कई स्थानीय मानते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। यह ऊपरी हिस्सा देख सकते हैं आप, इधर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी चारों तरफ से आश्रम पैक्ड है। आप अंदर क्या एक्टिविटी हो रही नहीं देख सकते। इलाके के लोग क्या जानते हैं इस आश्रम के बारे में और बाबा के बारे में, इलाके के लोगों की क्या राय है, उन्हीं से बात करते हैं। कभी आप को कभी ऐसा पता चला कि यहाँ इस तरह की हरकतें हो रही हैं या बाबा से कभी मिले हों? नहीं जी, ऐसी कोई हरकतें हमने ना कभी आज तक देखी हैं, ना कभी हमें मालूम हुआ है। बल्कि वो तो खुद हमें कहता था कि आप शर्मा जी आइए, आप हमारे ऊपर आइए, दो घंटे बताइए, आपको देखो हम कैसी शिक्षा देते हैं। तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इसके अंदर ऐसी कोई गलत गतिविधियां होती होंगी। ऊपर मंदिर में जाती हूँ, सवेरे मिलता था, कहता था ऊपर आओ, पत्थर पूजने जाते हो मंदिर में, यहाँ ऊपर दर्शन करवाएंगे भगवान के। मैं क्या मारते, अपने गुरु है, हम गुरु नहीं छोड़ सकते। ऐसा कुछ नहीं लगा। कभी गई वहाँ? नहीं नहीं, बुलाया इन्होंने 2-3 दफा स्टार्टिंग में, लेकिन अब नहीं गए। इलाके के लोग नहीं जाते हैं? नहीं, कोई नहीं जाता। बाबा के आश्रमों में छापेमारी के बीच ऐसे लोगों की भी तादाद कम नहीं, जो इस पाखंडी बाबा को भगवान मान रहे हैं। तो ये रंगीन बाबा लड़कियों का ही नहीं बल्कि लग्जरी गाड़ियों का भी शौकीन था। कथित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ जैसे जैसे पुलिस की कार्रवाई तेज होती जा रही है, वैसे वैसे ही इस रंगीन बाबा के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। कई दिन से आश्रम के चक्कर काट रहे पीड़ित परिवारों का आरोप है कि इस आश्रम से लड़कियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जिसके माँ बाप गुमराह हो जाते हैं, कभी वो उस आश्रम, कभी उस आश्रम, कभी उस आश्रम, उनको बच्चियाँ मिलती नहीं है। आप बता दिए वो आने नहीं देते, कहते हमको नहीं जाना है। गाड़ी नहीं निकलेगी। बलात्कारी बाबा के दिल्ली में विजय विहार के आश्रम के बाहर पिछले 4 दिन से बेबसी और पथावासी का आलम है। आश्रम में फंसे बेबस और लाचार माता पिता को उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा। जब यहां से एक गाड़ी के जरिए कुछ लड़कियों को कहीं ले जाया जा रहा था तो पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा। एक हफ्ते से गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? इतना एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से जब इतना कुछ हो रहा है तो इनकी रोक टोक क्यों नहीं है? एमपी के रीवा से आई एक माँ का दर्द देखिए। वो चीख चीख कर कह रही है कि उनकी बेटी को बाबा ने आश्रम में कैद कर रखा है, लेकिन उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। बाबा वीरेंद्र देव के पाप लोक से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, उसके तमाम राज सामने आ रहे हैं। बाबा की हवस के तौर तरीकों से पर्दा उठाया है पश्चिम बंगाल के एक शख्स ने, जो 5 साल तक बाबा के साथ साये की तरह रहा।
एक दिन में एक बार करेगा, दो बार सेक्स करेगा, वो तो दिन भर पांच बार सात बार सेक्स करता है। तो ये 1995 के लास्ट की बात है सर। ये मैं अचानक बाबा कमरे में जब गया तो बाबा उस समय बिल्कुल नंगे थे और दो कन्या थी। बाबा के सताए लोगों की गिनती कितनी है इसका ठीक से अंदाजा लगा पाना अब मुश्किल है। इंदौर का एक परिवार सामने आया है जो बता रहा है कि बाबा आस्था की आड़ में महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, उनको नशीली दवाइयाँ और ये सारे चीज दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर क्या होता कि दूर से चीज अच्छी लगती है, जब वो दूर थी तो उनको अच्छा लग रहा था कि वहाँ ऐसा है, जब अगर वहाँ वो गई है तो उनको एक्चुअल पता चला होगा कि सही है या गलत है। मे भी वो प्रॉब्लम में भी हो सकती है, बट उनके अंडर में है तो वो अपनी चीजें नहीं बता पा रहे कि हमको प्रॉब्लम है या क्या है। वीरेंद्र देव दीक्षित ने बाबा नाम को ही घृणित बना दिया है। धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देने वाला बाबा कितना नीचे गिर सकता है, आपको इस बच्ची की बातों को सुनकर यकीन हो जाएगा। मैंने कपड़े उतार दिए, मना ऐसे गंदी गंदी जगह टच करने लगे तो हमें फिर वहाँ से भागा चिल्ला के दो जोर से। वो शाम को दूध देते थे, उसमें दवाई डालते थे जिसमें पीने के बाद अलग से बेचैनी होने लगती है, मना उनकी तरफ अपना मन खींचने लगता है, उस तरह मतलब अपने मन पे कंट्रोल नहीं रहता, ऐसा हो जाता उधर उसको पीने के बाद। हालांकि एक मुसीबत ये भी है कि बाबा के मोहपाश में फंसी कई लड़कियां इस अंधी काल कोठरी से निकलकर बाहर जाने को तैयार भी नहीं है। यूपी के बांदा में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले एक शख्स के खिलाफ उनकी बहन ने भी केस दर्ज किया है। ये शख्स अपनी बहन को आश्रम से निकालना चाहता है, लेकिन बाबा के चक्कर में फंसी बहन अपने भाई के ही खिलाफ हो गई है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।